जय हिंद। सर्विलेंस मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते जनता काफ़ी परेशान है। जिनके पास अभी इस वक्त कुछ काम नहीं और वो तकरीबन 4 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, पैसों की हालत को देखते हुए इस वक्त लाइट बिल और स्कूल की फ़ीस को लेकर हमने बात की कुछ बीजेपी के पदाधिकारी नगर सेवक उनसे के इस बारे में उन्होंने क्या कहा है हमसे हमारी न्यूज़ के माध्यम से, वो सुनिए। मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जो अलग अलग लाइट सप्लाई करने वाली कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ अदानी है, फिर VSTO हो या फिर जो भी कोई महाराष्ट्र में बिल है, उन्होंने ये जो लॉकडाउन पिछले 3 महीने से चल रहा है उसका फ़ायदा उठा के हम सारे नागरिकों को बिना मीटर रीडिंग लिए उनके हिसाब से मनमानी की तरफ से जो बिल भेजा है उस बिल का हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निषेध करते हैं और इसके खिलाफ हमारे खासदार पूनमताई महाजन इनके नेतृत्व तले एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया है। आने वाले दिनों में हर अदानी के ऑफिस के बाहर हम सारे कार्यकर्ता और केवल कार्यकर्ता नहीं तो सारे नागरिक लॉकडाउन के सारे कानूनों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हम मोर्चा या आंदोलन करने वाले और इतना आंदोलन करेंगे कि अदानी और सारे इलेक्ट्रॉनिक बिल के कंपनियों को उनका जो बिल उन्होंने जो लोगों को भेजा है वो कम करने के लिए उनको मजबूर करेंगे। लॉकडाउन के दरमियान जो सारे स्कूल बंद हैं और बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऑनलाइन स्कूल चालू करके या फिर उनके क्लासेस लेके जो फीस स्कूल में भरने के लिए स्कूल का सारा जो प्रशासन है वो उनके पेरेंट्स को जो प्रेशर कर रहा है और ज़बरदस्ती फी भरने के लिए उनके ऊपर जो दबाव डाल रहा है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। हमारे खासदार पूनमताई महाजन वो भी उन्हीं के नेतृत्व तले ये सारे जो स्कूल के मैनेजमेंट है उनको भी ये लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने फ़ी लेनी नहीं चाहिए। जब कभी स्कूल चालू होगी तभी वो फीस ले, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स घर पे हैं, किसी को जॉब नहीं है तो बेचारे पेरेंट्स बच्चों की फ़ीस भरने के लिए पैसा कहाँ से लेंगे। ये सादा विचार इस स्कूल के मैनेजमेंट में करना चाहिए और मैं सारे स्कूल हमारे परिसर में हमारे ज़िला में जितने भी स्कूल है सारे स्कूल के मैनेजमेंट को मैं फ़िलहाल तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है और रेगुलर मुंबई चालू नहीं है तब तक किसी भी पेरेंट्स को फी भरने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। सर्विलेंस मुंबई तर्फे मी भारतीय जनता युवा मोर्चा कलिना विधानसभा अध्यक्ष आदित्य पानसे या महाराष्ट्र राज्य सरकारला निवेदन करतो की अदानी इलेक्ट्रिसिटी तर्फे जे सामान्य लोकांना बिल पाठवण्यात आलेलं आहे ते अतिशय जास्त आहे, त्याच्यात लवकरात लवकर कटौती करावी। तसेच मी महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाडजी यांना नम्र विनंती करतो की आत्ताच्या या कोरोनाच्या बिकट संकटात शालेय विद्यार्थ्यांची जी फीज आहे ती डिसेंबरपर्यंत माफ करण्यात यावी, हे माझ्यातर्फे त्यांना निवेदन आहे। सर्विलेंस मुंबई न्यूजच्या माध्यमातून मी चेतन अजित चव्हाण वॉर्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 168 कडून निवेदन देतो की माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धवसाहेब ठाकरे या कोरोनाच्या महामारीच्या काळात सर्वांना वाढीव बिलं आलेली आहेत, सरकारतर्फे महावितरण बेस्ट अडानी पॉवर यांच्याकडून जी बिलं लोकांना आलेली आहेत ती गेल्या 3 महिन्याची बिलं त्यांनी माफ करावीत। आणि शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांना मी निवेदन करतो की सध्या ऑनलाईनच्या शाळा चालू आहेत तर त्यांच्या ज्या वाढीव फी त्यांची जी आलेली आहे तीसुद्धा सरकारने माफ करावी ही विनंती। मी विशाल वाघ सर्विलन्स मुंबई न्यूजच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारकडे निवेदन करत आहे की कोरोनासारख्या महाभयंकर काळात जी जनतेला जास्तीची बिलं गेली आहेत, अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडनं जी बिलेली बिलं आहेत ती लवकरात लवकर कमी करावी, अन्यथा माफ करावी। तसेच शालेय शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहे तर जी वाढीव फी आकारली जात आहे ती पण लवकरात लवकर माफ करावी किंवा पुढे ढकलावी। मी सर्विलेंस मुंबईचे माध्यम से मी सरकारको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो फिलहाल में जो चाली महामारी में उस पर जो लोगों को ज़्यादा अदानी के बिल आए हैं
तो वो ज़रा माफ़ कर दीजिए। और जैसे वर्षा गायकवाड़ जी अपने जो शिक्षण मंत्री है उनसे निवेदन है कि स्कूल की जो फी वगैरह है जो इस टाइम थोड़ा सा आप उनमें कुछ मुफा दे दीजिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।